दोस्तों, अब से दो हफ्ता पहले ही हमने आपको बताया था कि सूडान के अंदर एक भीषण जंग चल रही है। इस जंग की सबसे खास बात यह है कि ये जंग किसी दो देशों के बीच में नहीं चल रही है, बल्कि ये जंग एक ही देश की दो सेनाओं के बीच में चल रही है। इस जंग में एक तरफ तो सूडान की आर्मी है और दूसरी तरफ सूडान की स्पेशल फोर्सेज है, जिसको हम रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के होने के पीछे रीजन यह है कि सूडान की आर्मी ये चाहती है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स की पावर को सूडान के अंदर कम किया जाए, और यही बात रैपिड सपोर्ट फोर्स को बर्दाश्त नहीं हुई, जिस वजह से रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान की आर्मी के ऊपर हमला बोल दिया। और इस जंग की वजह से अब तक सूडान के अंदर 450 से 500 लोगों की जान चली गई है और 3500 से 3600 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन सूडान के अंदर 3000 भारतीय भी फंसे हुए थे, जिसको लेकर भारत की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। इस ऑपरेशन में भारत की तरफ से अपने C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और अपनी दो शिप को सूडान से भारतीयों को इवैक्यूएशन करने के लिए लगाया गया है। और इस ऑपरेशन की वजह से अब तक भारत अपने 2000 नागरिकों की जान को पूरी तरीके से बचा चुका है। साथ में आज भारत की तरफ से फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं सूडान के अंदर, उनको और उनकी फैमिली को भी इवैक्यूएट किया गया है, जिसकी वजह से फ्रांस की तरफ से भारत को धन्यवाद भी बोला गया है। और सभी देश काफी तेजी से सूडान के अंदर से अपने लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। तुर्की की तरफ से भी अपने नागरिकों को जब सूडान से निकाला जा रहा था, उस दौरान तुर्की के जो प्लेन थे उन पर सूडान की आर्मी की तरफ से गोलीबारी कर दी गई थी, जिस वजह से तुर्की के प्लेन को बहुत ही अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये प्लेन बाल बाल क्रैश होने से बच गया था। और इसी बात को देखते हुए सूडान और रैपिड सपोर्ट फोर्स में 72 घंटे के लिए सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, और इस एग्रीमेंट के 24 घंटे जा चुके हैं। अब सभी देशों के पास केवल 48 ही घंटे बचे हुए हैं, जिसमें सभी देश अपने नागरिकों को सूडान के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। जहां पर सभी देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं, वहीं पर अमेरिका की तरफ से अपने 16,000 नागरिकों को सूडान के अंदर से निकालने से मना कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने आपको पहले ही वार्निंग दी थी, आपको जब ही निकल जाना चाहिए था। और आपके लिए आज का सवाल, क्या अमेरिका की तरफ से ये सही किया जा रहा है या फिर गलत किया जा रहा है, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।